भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, अब तुम चली जा, मैं भी चला जाऊंगा। कितनी देर मेरे साथ चलोगे? यही तो है, मैं चले जाऊंगी, आप भी जाइए। ठीक है, जाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे, गए क्यों नहीं? सोच रहा हूँ रमा कि मैं कितना अभागा हूँ। इस वक्त मुझे काम करना चाहिए और तुम्हें खिलाना चाहिए, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मेरी वजह से तुम्हें काम ढूंढने जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप ही तो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान है, और फिर मुझसे कई गुना बढ़कर आप काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके लिए कमा रही हूँ, लेकिन आप तो पूरे मानवता के लिए पढ़ रहे हैं, अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए पढ़ रहे हैं आप। आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, आप जाइए कॉलेज, मैं भी काम ढूंढने जाती हूँ। और हाँ, जितना साथ रह सकते रहते हैं, आपका क्या पता पढ़ाई के चक्कर में हमें ना दूर हो जाए कभी। ताना नहीं दे रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। और सच तो यही है ना कि पढ़ाई के समक्ष आप कुछ भी नहीं देखते। क्या बोल रही हो रमा, मुझसे ज्यादा मेरे पढ़ाई के बारे में तुम सोचती हो। मेरे पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकती हो, कई बार तो दुनिया वालों को चुनौती भी दे देती हो, लेकिन फिर पढ़ाई के नाम पर मुझे ही सुना देती हो। मुझे ना तुम्हारी ये विरोधाभासी बातें आज तक समझ में नहीं आई। देखिए, मैं समझती हूँ आपके और आपकी पढ़ाई को, लेकिन हो तो आपकी पत्नी ना, तो कई बार आपका सारा समय मुझे मिल जाए इस बात का लालच जन्म ले लेता है, और वही लालच विरोधाभासी बातें उत्पन्न करता है। रमा, तुम्हारी बातें मुझे सच में नहीं समझ में आती है। अच्छा, मतलब अपनी पत्नी की बातें समझ में नहीं आती है आपको, और दुनिया वालों के कठिन से कठिन सवाल हल कर विजेता बन जाता है। वाह, कॉलेज जाना शुरू कर दिया भीमराव। भीमराव, जो शिक्षा मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिल रही है। दिए की परिभाषा से देखे तो तुम मेरे ज्ञान की लौ बुझाकर अपने ज्ञान की लौ जलाने चले हो। देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं। मुझे ये जो कुछ भी मिला है मेरी योग्यता के आधार पर मिला है। योग्यता? महाराज के दरबार में सबसे पहले मैं पहुंचा था, मुझे छात्रवृत्ति मिलने ही वाली थी कि तुम बीच में आ गए और मुझसे मेरा अवसर छीन लिया। जा रहा हूं मैं कोई काम ढूंढने, छोड़ दी मैंने पढ़ाई। ये क्या किया आपने? ये आप खुद के लिए गलत कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। कोई भी प्रतियोगिता में एक विजेता होता है और बाकी सब हार ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब कमजोर होते हैं या कम प्रतिभाशाली होते हैं। देखिए, मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। इससे अच्छा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता और आगे बढ़ता। आप भी रास्ता ढूंढ लीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए। मुझे तुम छोटी जात वालों से किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी तुम क्या जानो कि पढ़ाई छूटने का दुख क्या होता है? नहीं नहीं, एक साल इनकी भी पढ़ाई छूट चुकी है पैसों की कमी के कारण, फिर ये एक साल में रास्ता ढूंढकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। भाषण मत दो तुम दोनों, मेरा हक मार कर जा रहे हो भीमराव। अरे सुनिए, सब उठाते हैं, कभी ना कभी वापस लौटा देंगे।
प्रकाश भाऊ, लगता है आप इसका जीवन ऐसे रास्ते पे ही जाएगा। हाँ, शुरुआत में सब उपहास करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी मांग और न्याय की लड़ाई को गंभीरता से भी लेंगे, और फिर तब जाके आपकी लड़ाई शुरू होगी। इसलिए आप हारिएगा नहीं, हिम्मत भी मत छोड़िए, बस लड़ते रहिए, सब हो जाएगा। राम बाबू, क्या तमाशा बना रखा है तूने यहां? तुझसे कहा ना कि चुपचाप चली जा, जब हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा हम खुद आ जाएंगे तुझे लेने। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं बंबई छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू अपने पति से लड़ेगी, जिस पति की तू पूजा करती है उसके खिलाफ जाएगी, और यहां क्या करेगी तू? भूखी प्यासी रहेगी? हाँ, तुझे अपनी जान से ज्यादा जिद प्यारी है क्या? बेटा रुक जरा, बेटा तेरे पास कागज है? हाँ। कागज देना जरा मुझे, ला मैं पकड़ती हूँ। लिखना आता है तुझे? हाँ। आ बैठ मेरे पास बैठ, जो मैं बोलूंगी वो लिख के देगा। हाँ। है? ए, क्या लिखवा रही है उससे? भैया, कुछ पता चला आनंद के बारे में? हाँ, पता चला। एक कोकण के आदमी से मुलाकात हुई थी जो मेरे साथ फौज में काम करता था। आनंद ने हमसे झूठ बोला है, दरअसल उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो लक्ष्मी उसे लेकर अपने मायके कोकण गई है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक है, इलाज चल रहा है। भैया, आपको जब पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको उसे मिलना चाहिए था। लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता, अभी पता चला है ना कि वो ठीक है तो। लेकिन भैया, अगर आप मिल लेते तो उसे अच्छा लगता ना। मीरा, मैं आनंद के पास इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, और एक बीमार बेटे के सामने दरिद्रता के साथ एक बाप को खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा, तुम किसी से कुछ मत कहना। मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद आनंद को देखने चला जाऊंगा। नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हिमराव, हिमराव, बारा आए वो हिमराव। क्या हुआ मालिक? Ah!
कहाँ है तेरा बेटा भीमराव? पहले तो हमारे भाई को मार खाया और अब हमारी बीवी को भड़काकर क्रांतिकारी बना रहा है। वो कहाँ है वो? कॉलेज गया है, छात्रवृत्ति मिली है ना, अब पढ़ लिख कर बड़ा बरिस्टर बनेगा। हमारे खिलाफ ही हमारी बीवी को हथियार बना रहा है वो। इतनी हिम्मत उसकी, कॉलेज में ही निपटा देंगे उसे। प्रचंड देव जी, मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चलिए कॉलेज चलिए, देखते हैं आप क्या करते हैं। और हाँ, आपका भाई मारा वो आपके और आपके समाज के बहिष्कार से, आपकी पत्नी आपके खिलाफ गई वो आपके व्यवहार से। आपकी पत्नी को पहली बार एहसास मेरे बेटे भीम ने दिलाया कि उनका भी कोई हक है, जो आपसे उन्हें मिलना चाहिए था। बेइज्जती की जगह सम्मान मिलना चाहिए था, इसलिए बार बार मेरे बेटे को ऐसे ढूंढने मत आया कीजिए। ए सुबेदार, बहुत बोल रहा है तू, यहीं पर पटक के मारेंगे। प्रचंड देव जी, ऐसे कैसे पटक देंगे? मेरे रहते हुए मेरे दोस्त को हाथ लगाकर दिखाइए। हे पुरंजन, चुप, मालिक से इज्जत से बात कर। चोखो, ज्यादा ना मालिक मालिक ना करो, नहीं तो जहाँ ही प्रचंड देव की पत्नी सड़क पर धरना देने बैठी है ना, वहीं पे हम सब लोग धरना देंगे। अब तुम ना एक बात जान लो कि तुमको ना घर देखना आता है ना दुकान, पानी गरम करे के अलावा और कुछ नहीं आवा था, ये चुप रहो। कोई बात नहीं, क्या जरूरत थी आपको उनसे ऐसे बात करने की? अरे मार डालेंगे क्या? जब मैं छोटा बच्चा था तब से ऐसे कई प्रचंड देव जैसे लोगों से वास्ता पड़ा, सबका नाम याद नहीं। जब हमारी कहानी लिखी जाएगी तो शायद सबका नाम भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ऐसे असंख्य हाथ हैं जो माचिस लेकर घूमते हैं, कभी इन्हें मौका मिले और कब हमारी बस्ती जला दे। चला सकते तो चला दो ना, ये बार बार धमकी देने क्यों आते हैं यहां पे? और तुम कुछ नहीं बोलोगी, कुछ नहीं बोलोगी। ए पागल औरत, पति जो कह रहा है वो करना। इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब दर दर की ठोकरे खाएगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। औरत को तो वैसा ही करना चाहिए जैसा उसका पति चाहे। वो तो है ही, पति तो परमेश्वर होता है। लीजिए ये खाना खा लीजिए, चिंता मत कीजिए, ना ये खाना ये हमारे जात वालों का है और ना ही मैंने इस खाने को छुआ है, कपड़े में बांध कर लाइए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। देखिए आप खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति आकर मुझे घर नहीं लेकर जाते। अजीब जिद है, ऐसे में तो हर औरत अपने पति और ससुराल से लड़कर आ जाएगी और यहाँ बैठ जाएगी और फालतू फालतू बातों के लिए जिद करेगी। जिद नहीं है ये, ये अधिकार है इनका, और जब किसी का अधिकार किसी के मर्जी से टकराता है
तभी जद्दोजहद शुरू होती है। लेकिन आप लोग इनके दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये औरतें हम छोटी जात के लोगों की तरह है। सोचिए ना, निम्न, शोषित, पीड़ित और महिला, ये सारे नाम एक साथ क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। संविधान का है तो और सच तो ये है कि आप बड़ी जात वालों के घर में रहने वाली औरतें हम छोटी जात वालों की तरह ही है। और फिर इतनी ही तकलीफ है हमारी मांग से, तो बना दीजिए हमारे लिए नई खूबसूरत दुनिया, जहां हमारे सारे अधिकार और संभावनाएं सुरक्षित रहे। महाराज के दरबार में सबसे पहले मैं पहुंचा था, मुझे छात्रवृत्ति मिलने ही वाली थी कि तुम बीच में आ गए, मुझसे मेरा अवसर छीन लिया, मेरा हक मार के जा रहे हो भीमराव। हक नहीं मारना किसी का। अगर आपको लगता है कि जहां आप पहुंच सकते हैं वहां हम पहुंच जाए तो आपका हक मारा जाता है, तो बना दीजिए हमारे लिए एक जमीन जहां हम अपने हक की खेती खुद कर सके। आरक्षित कर दीजिए हमें, ताकि हमारे सपने आपकी इस भीड़ में ना मर जाए। दे दीजिए आरक्षण, और याद रखिए, आज नहीं तो कल हम ये मांग जरूर करेंगे। हम मांगेंगे, ये औरतें मांगेंगी, तो आप सब तैयार रहिएगा इस आरक्षण के लिए। साहेब मेरे आरक्षण। प्रणाम। प्रणाम प्रचंड देव जी। प्रणाम वाली। भीमराव, क्या कहा तूने? आरक्षण। हम इन्हें आरक्षण देंगे जिन्हें हम अपने समाज का हिस्सा भी नहीं समझते, इन्हें आरक्षण देंगे हम जिन्हें हम अपने से दूर रखते हैं, इन्हें आरक्षण देकर हम आरक्षित करेंगे, इन्हें जमीन देंगे हम जिस पर ये अपनी खेती करके अपने सपनों का महल खड़ा करेंगे। हिमराव, तुझे छात्रवृत्ति क्या मिली है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो कभी नहीं होगा जो तू सोच रहा है। मैं सही सोच रहा हूं प्रचंड देव जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा। क्योंकि सदियों से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस चीज की भरपाई कोई कर नहीं सकता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जिए, उन्हें उनका हक मिले, समाज में बराबरी का दर्जा हासिल हो और योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले, इसलिए ये होना जरूरी है। राम जी, तेरे इस बेटे की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसकी बातें सुनकर हमें इस पर तरस भी आता है और हंसी भी। यही तो दिक्कत है प्रचंड देव जी, इनके बातों का सब मजाक बनाते हैं, और बाद में जब वो बातें सच हो जाती है तो आप जैसे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये भीमराव अंबेडकर है, ये जो कह रहे हैं उसके लिए कोशिश करेंगे।
और जैसे आज तक हर असंभव चीज को ये संभव बनाते आए हैं ना, ये भी कर देंगे। इतना भरोसा है मुझे इन पर। साहिब मेरे।